माई डयर स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी विल लर्न रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन एंड चेंज इन हाउस होल्ड फॉर्म्स जैसा कि आप जानते हैं अर्बनाइजेसन uh, एक ऐसा प्रोसेस है जो अर्बन लाइफ के ओवरऑल लाइफ पैटर्नस को उनके बिहेवियरल पैटर्नस को कल्चर को चेंज करता है और इसमें जो है जब हम इसको uh, हाउस होल्ड के कांटेक्स्ट में देखते हैं और पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू जेंडर तो फिर हमें ये नज़र आता है कि अर्बनाइजेशन जो हमारी फैमिली सेटिंग है फैमिली लाइफ है फैमिली रिलेशनशिप है हाउस होल्ड के अंदर जो इंडिविजुअल्स, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसके अंदर कैसे जो है अर्बनाइजेशन या अर्बन लाइफ की वजह से कौन कौन सी चेंजेस आती हैं तो अर्बनाइजेशन जैसे आपको पता है कि अर्बनाइजेशन इज़ बेसिकली ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ट्राडिशनल रूरल एंड एग्रेरियन सोसाइटी टू ए सेकुलर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी एक ट्राडिशनल बैकग्राउंड वाली सोसाइटी जब सेकुलर और एक अर्बन सेटिंग में एक मॉडर्न किसी हद तक या इंडस्ट्रियल सेटिंग में चेंज होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन तो अर्बन कल्चर में क्या है कि फैमिली एज़ न्यूक्लियस ऑफ ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के फैमिली का जो यूनिट है वो दैट इज़ कोर ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट के किसी भी ओवरऑल जो अर्बन स्ट्रक्चर है उसका एक मेन कंपोनेंट अदरवाइज आप सब जानते हैं कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो फैमिली जो है दिस इज़ वन ऑफ़ द बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ आल सोसाइटीज़ तो इसी तरह से जब हम अरबन कल्चर की या अरबन लाइफ की बात करेंगे तो वहाँ पर भी फैमिली जो है वो एक वन ऑफ़ द बेसिक इंस्टीट्यूशन जो है वो अर्बन uh, लाइफ का होता है फैमिली एज़ एन इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर जो है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन uh, जो है आपस में इंटर रिलेटेड हैं को रिलेटेड हैं किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं फॉर एग्जांपल फैमिली है एजुकेशन है, है एक कह लें कि दूसरे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है रिलीजस इंस्टीट्यूशन है कोई बिजनेस है तो किस तरह से डिफरेंट एंटिटीज़ अर्बन सेटिंग में जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उस उसको हम कहते हैं कि कैसे जो है वो फैमिली उसमें एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन या एक इफेक्टिव कंपोनेंट का रोल प्ले करती है फैमिली हैज़ सर्टन फंक्शंस बोथ फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एट लार्ज ये हम सब जानते हैं जैसे फैमिली जो है इंडिविजुअल्स uh, को सोशलाइज़ करती है एजुकेट करती है सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इकनॉमिक इंटरेस्ट पूरी करती है तो एज़ एन इंडिविजुअल फैमिली के अंदर जो है इंडिविजुअल्स की ग्रूमिंग होती है सोशलाइजेशन होती है तो वो एक फैमिली का रोल है और दूसरा रोल ये है कि फैमिली एक ग्रूम्ड और ट्रेंड और सोशलाइज्ड इंडिविजुअल्स जो है वो सोसाइटी को प्रोवाइड करती है तो इस तरह से फैमिली का एक दो तरीके से हम रोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर द इंडिविजुअल्स एंड फॉर द सोसाइटी एज ए होल तो चेंज ऑफ फैमिली फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर फैमिलीज़ अगर हम अर्बन सेटिंग में देखें तो हमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो हाउस होल्ड में चेंज नज़र आता है कि मोस्टली अर्बन सेटिंग में लोग जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ और जो उनके बच्चे हैं उनके साथ जो है रहना उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं जबकि अगर जॉइंट फैमिली में आपके यानी हस्बैंड वाइफ के कोई पेरेंट्स या अदर रिलेटिव जो हैं वो भी उसमें रह सकते हैं तो अर्ब, अर्बन सेटिंग का एक खासा ये है कि वहाँ पे फैमिली जो है नॉर्मली न्यूक्लियर टाइप ऑफ फैमिली है और उसके जो है हम अगर देखें तो अर्बनाइजेशन जो है उसके दोनों तरह से असरात होते हैं यानी अगर हम फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक तो ये है अगर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अर्बन सेटिंग में फैमिली के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल जॉब के एजुकेशन के हेल्थ की फैसिलिटी के लिए हवाले से इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है तो इस तरह से एक फैमिली जो है वो एक अच्छे माहौल में आ, रह सकती है जहाँ पे फैमिली मेंबर्स की के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हैं लेकिन अगर हम उसको नेगेटिवली देखें तो अर्बनाइजेशन के रिज़ल्ट में यानी ग्रेजुअली एक कल्चरल एक थोड़ी सी जो लाइफ पैटर्न्स हैं और नेचर ऑफ़ सोशल रिलेशनशिप है विद इन द फैमिली उनमें चेंज आता है उनमें जो चेंज आता है मिसाल के तौर पे हम देखते हैं अर्बन सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि मोस्टली जो फीमेल पार्टनर है वो भी नॉर्मली शहरों में जो है वो जॉब कर रहे होते हैं दूसरा अगर हम देखें तो जो आ, फैमिली है वहाँ पे जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है उसमें भी हमें एक डिफरेंस नज़र आता है कि चाइल्ड केयर के हवाले से जैसे फर्ज के ना रूरल सेटिंग में आ, फैमिली सपोर्ट और ओवरऑल एक ख़ानदान की सपोर्ट होती है तो अर्बन सेटिंग में हमें उस तरह से चीज़ें नहीं मिलती फॉर एग्ज़ाम्पल डे केयर सेंटर्स हैं या नर्सरीज़ हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं उन उनको रखा जाता है और वो बेसिकली uh, uh, चूँकि अगर uh, एक फैमिली के ज़्यादा लोग जो हैं वो कोई जॉब कर रहे हैं या डिफरेंट उनकी कोई मसरूफियात हैं तो इस तरह से बच्चों को वो जो लव एंड अफेक्शन और केयर जो मिलनी थी तो वो अर्बन लाइफ में वो डिफरेंट तरीके से मिलती है सिमिलरली हम उसमें देखें तो अगर इंडिविजुअलाइजेशन uh, का एलिमेंट जो है वो हमें सिटी लाइफ में अर्बन लाइफ में नज़र आता है और दिस इज़ आल्सो रिफ्लेक्टेड विद इन फैमिली मेम्बर्स के लोग जो हैं हर कोई अपने अपने काम पे टाइम पे जा रहा है और शाम को वापस आ रहे हैं और फिर अपने अपने uh, कामों में बिजी हैं नॉर्मली जो ज़्यादा एडवांस सिटीज़ uh, हम देखते हैं तो वहाँ पे लोग वीकेंड uh, पे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को मिलते हैं अदरवाइज़ हर एक की अपनी अपनी इंगेजमेंट्स हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली पाकिस्तान में भी आ रही हैं इसी तरह से हम देखते हैं ओवरऑल फीमेल पार्टिसिपेशन जो है अर्बन सेटिंग में इन फ़ीमेल पार्टिसिपेशन इन इकनॉमिक और प्रॉफिट uh, ओरिएंटिंग या इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो है वो ज़्यादा हमें नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू रूरल सेटिंग कि वहाँ पर जो है फ़र्ज़ करें प्रोफेसनल उसमें देखें तो बहुत सारी ख़वात भी हमें डिफरेंट प्रोफेशनस में नज़र आती हैं इसी तरह से आ, डिफरेंट आ, अल्टरनेट केयर के इंस्टीट्यूशन सिटीज़ में हमें मिलते हैं जैसे हम बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड एज होम है या और डिफरेंट रिक्रेसनल क्लब्स हैं और इसी तरह से डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो हमें मिलती हैं जो कि हमें रूरल सेटअप में नहीं मिलती इसी तरह से वहाँ पे जो फैमिली की एक अप्रोच है वो राइट right बेस्ड है कि यानी उसमें आप देखेंगे कि मेल फीमेल के राइट्स हैं जेंडर के ऊपर जो है वो डिस्कशन है और हर कोई जो है वो अपने राइट्स के हवाले से और रैशनल बेसिस पे लॉजिकली अपने रिलेशनशिप को डिस्कस करता है तो इस तरह से हम कहते हैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी अर्बन uh, सेटिंग में हमें एक चेंज नज़र आता है सिमिलरली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें कुछ और भी uh, चीज़ें नज़र आती हैं कि जैसे फ़र्ज़ uh, करें एक्स्ट्रा मैरिटल uh, जो रिलेशनशिप हैं लोग कोबिशन होती है फ़र्ज़ करें मेल फीमेल विदाउट मैरिज के अब बहुत सारे अर्बन सेटिंग में हमें नज़र आती हैं इंडिया में इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल हैं और यूरोपियन सिटीज़ में हैं अभी तो रिसेंटली हमें पता चला जैसे दुबई में भी इस तरह की जो रहने पे उसकी भी परमिशन है तो इस तरह से ये अर्बन लाइफ का एक खासा है कि इंटायरली डिफरेंट एक फॉर्म ऑफ हाउस होल्ड जो है वो अर्बन सेटिंग में हमें नज़र आती है विच इज़ क्वाइट डिस्टिंगटिव फ्राम द रूरल सेटिंग